असलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखो दोस्तों, आपको आपने देखा होगा मैं एक दिन से वीडियो नहीं, दो दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि यार मैं ना दूसरे रोमों में बिजी था। अब आप बोलोगे कौन से, तो मैं मनी हेस्ट देख रहा था, फिर मैंने उससे पहले वो देखा साउथ कोरिया का, बड़ा अच्छा चल रहा है एलिस इन बॉर्डरलैंड, ऐसे रोम में मुझे ज़्यादा आजकल पसंद आ रहे हैं। अच्छा सुन, मेरा दिल का हमें वेट होता है, सुन मेरा दिल देखा, एक तो दो दिन में आता है और है सुस्त अभी फिलहाल। सुस्त मुझे रोम में ना थोड़े बहुत वो होता है यार, ये इतनी सुस्ती कहेगी। बहरहाल इसमें जितनी भी परफॉर्मेंस है भाज की, ओगर अमर माया और सबकी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी, हीरा मानी अच्छी अच्छी एक्टिंग है, पर यार वही वाली बात है ना कि सुस्त सुस्त जो है ना, आजकल फास्ट पेस वाला दौर है। टिकटॉकर्स जो शॉर्ट वीडियोज हैं वो लोग शौक से देखते हैं और फास्ट फास्ट हर चीज़ देखते हैं, इतनी सुस्ती ना लोगों को नींद आ जाती है। तो सुन मेरा दिल ना, अगर इसी सुस्ती से पेस पकड़ के रखेगा ना, तो गालिबन जो है ना ये मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसकी स्टोरी ना रुकिया के रोंदू है, किसी ना किसी की वो डेथ करवा देते हैं, फिर उसमें वो अभी जो मलिक साहब हैं उनके साथ कुछ होगा, फिर उनके बेटे के साथ कुछ होगा, तो इमोशनल बॉन्डिंग वाली जो है ना ये स्टोरी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें कोई कॉमेडी वाला टाइप का आंसर नहीं है, हर कोई इंटेंस में एक्टिंग कर रहा है, अच्छी बात है। इसका मतलब खलील रहमान ने पूरी जो ड्रामा लिखा है ना, वो सिर्फ किरदारों को बूस्ट, उनकी एक्टिंग टैलेंट को दिखाने के लिए लिखा है। स्टोरी वाइज जो है ना, बिल्कुल इतना सुस्त मैंने कहीं नहीं देखा। कई लोग एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे बड़ा ज़बरदस्त स्टोरी ज़बरदस्त अगर मान के चलो है भी, तो वो दिख नहीं रही अभी फिलहाल, क्योंकि बस एक्टिंग लग रही है सबकी बेस्ट, वो एक्टिंग से ही बस आप अंदाज़ा लगाओ। और मैं तुम लोग को बता दूँ कि ट्विटर जो है, ट्विटर की एक बड़ी खास बात है कि जो भी ड्रामा इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादा पॉपुलर होता है, मैं उसकी इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लंबी ऑडियंस है, वो ज़्यादा देखेगी तो फ़ायदा है। तो वो तो कभी मैं और कभी तुम के ही फ़ैन है अभी फ़िलहाल, और हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी बूस्ट करती जा रही है दिन ब दिन, और दुनिया तो ऐसी है, कल किसी के फैन ज़बरदस्त थे, आज किसी के फैन ज़बरदस्त हैं। हालांकि सबके फैंस अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर क्योंकि ड्रामे वैसे नहीं आ रहे सेलिब्रिटीज़ के ऐसे जिससे लोग जो है ना वापस उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएं। अब हमारी एक वो समझ लो अनलकी बात समझ लो कि एक साल में कोई और हिट होता है, दूसरे साल कोई और हिट होता है, मतलब मुस्तकिल ये नहीं होता मापा कि भाई ये हिट है। जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, इनकी फिल्में आती हैं तो एक दो पिटती ज़रूर हैं, पर वैसे टोटल ओवरऑल सुपरस्टार का स्टेटस है। तो ये सुपरस्टार का स्टेटस जो है ना बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है, और पाकिस्तान में तो खास तौर पे ज़्यादा अगर आपने हिट्स ड्रामे नहीं दिए या कुछ ऐसा हुआ तो फिर लड़खड़ा जाती है पोजीशन, वो वाला सीन नहीं चाहते हम किसी के साथ, क्योंकि मतलब हम चाहते हैं बेस्ट ड्रामे, जिन हमारे सेलिब्रिटी जिनको हम पसंद करते हैं, यमुना है, वहाज है, इनके बेस्ट ड्रामे आए, ताकि जो है ना ये वापस वही उस पर आए पोजीशन पर। अब ये तेरे बिन टू का जो चक्कर लगाया ना इन लोगों ने, ये बहुत ही अजीब लगाया कि बंदा जो है ना बस वेट करके ना, जो क्योंकि अभी टेरेमेंट टू लाना बहुत लाजम था, अभी कोई इनके ड्रामे चल ही नहीं रहे, हकीकत इस बात की। अब जितना भी रो पिट लो, मैं अगर वहाज का फैन हूँ ना, मैं भी जितना भी रहूँ ना, तो कि बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है ये सारे, ये बड़े अच्छे ये ड्रामे अच्छे हैं, वो वाली बात नहीं आ रही। लोग सही तरीके से जैसे पैशनेट थे ना तेरे बिन के, वो कोई ड्रामे से पैशनेट नहीं है, ना यमुना के हो रहे हैं ना वहाज के, बस एक यमहाज फैंडम अभी क्यों मशहूर है, क्योंकि वही यमुना और वहाज की वजह से ये जो फैंडम है मशहूर है। बाकी जितने भी ड्रामे अलग अलग इन लोग के आ रहे हैं, वो पॉपुलैरिटी उस तरह गेन ही नहीं हो रही। अब मैं अगर यहाँ पे मुझे कोई पैसे मिल रहा हूँ, मैं शुरू हो जाऊँ झूठी तारीफ करना, भाई बड़ा ज़बरदस्त, ये तो बड़ा आला चल रहा है, A1 नहीं, मैं देखता हूँ पोजीशन क्या है, और इस वक्त पोजीशन अभी जो फिलहाल उठने की पोजीशन है वो सेट नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो माया के वैसे ही पसंद नहीं करते ड्रामे या कोई भी चीज़, और आधे जो है वहाज को कहते हैं भाई यमुना के साथ जल्दी आ जा, वो आ नहीं रहा, तो वो चाह रहा है कि वो दूसरी पोजीशन बनाए या क्या सीन है, मेरी समझ से बारह। मैं हकीकत बता दूं तो सुन मेरा दिल अगर इसी पेस से चलता रहा ना, बहुत बोरिंग ड्रामा हो जाएगा, और आगे जाके इसका मैं वाला हशर ना हो जाए कि हम बोलेंगे बड़ी ज़बरदस्त चल रहा है और काम ना हो, और जेंटलमैन वाला सीन ना हो जाए कि जेंटलमैन आखिर में आते 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 ऐसा हो गया कि लोग बोले अबे क्या हो गया, फिर एंडिंग पे लोगों ने बात की कि एंडिंग ज़बरदस्त थी। इन लोगों को चाहिए कोई ऐसा फास्ट पेस ड्रामा, कोई ऐसा अपने हिसाब से लाएं, हालांकि एक्टिंग अच्छी है आज की, इसमें बिलाल की ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है, कोई वाली बात है ना यार,
लोग ज्यादा से ज्यादा बातें करें, हम चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा बातें करें कि भाई ये ड्रामे का क्या सीन है, ये हुआ है, वो नहीं हो रहा, वो चल ही नहीं रही, वो चीज़ हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या है। इनको सोचना पड़ेगा सेवन स्काई वालों को कि भाई कुछ ना कुछ तो ज़बरदस्त किस्म का लाना पड़ेगा, ऐसे काम धंधा नहीं चलता। यह शायद तुम लोग को बुरी लगे वीडियो, पर फैक्ट तो फैक्ट है। चलो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में।